Viewers out there who are curiously waiting for Ye Hai Mohabbatein's upcoming drama, gear up. Gear up to witness some high-voltage drama then. Where after a really long time, Adi's aggressive shade has churned out and he is removing it in a rigid way. Well, the reason? In short, this is a heartbroken Adi. Let Adi explain. Adi काफी सालों बाद गुस्सा हुआ है और आदि को जब गुस्सा आता है तो वो बहुत ही भयंकर वाले मूड में चला जाता है, भयंकर मूड में चला जाता है और अभी ऐसा ही हुआ है बिल्कुल. जब वो एक होता है ना फ्रस्ट्रेशन वाला दिल टूटना, तो वैसा हो गया है. मैं पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, इरिटेट हो गया हूँ कि भाई क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, जो कि नहीं होना चाहिए था. मुझे तो लगा था कि सब कुछ सही होगा, सब जो लड़की है वो मुझसे ही प्यार करती है, पर ऐसा नहीं हुआ. और फाइनली मेरे को पता लगा तो मेरी हालत ऐसी हो गई. ऐशमा को भी पता चल गया है, सबको पता चल गया है बेसिकली. मेन तो हाँ, मेन अभी ऐशमा को भी पता चला है. उन्होंने संभालने की कोशिश की मुझे, पर मैंने उनके ऊपर भी गुस्सा कर दिया और कुछ समझ में नहीं आ रहा था. बस मैं मारे जा रहा था, गुस्सा करे जा रहा था और खुद को मारे जा रहा था, तो बहुत हर्टिंग था मेरे लिए. But how did it all happen? Well, when Mihir is hospitalized, Alia realizes her love for Mihir and confesses the same in front of Ishita. Let's hear what Alia has to say on this. तो हाँ, सुबह से मैं बहुत ज़्यादा रोना धोना मेरा चालू है मिहिर के लिए कि वो ठीक हो जाए. और हाँ, आज मैंने कन्फेस कर दिया है अम्मा को कि मैं मिहिर से प्यार करती हूँ. अम्मा बहुत टेंस हैं, उनका रिएक्शन तो मतलब क्या ही बताऊँ. आपने देखा होगा, शायद कैप्चर किया होगा. तो शी इज़ प्रीटी लिटिल शॉक्ड राइट नाउ. और उन्हें इस चीज़ का भी दुख हुआ कि उन्हें पहले ये लग रहा था कि शायद मैं और आदि यू नो एक साथ हैं और एक दूसरे को लाइक करते हैं. बट ऐसा कुछ नहीं है. एक पिछले सीन हमारा एक गया है, उसमें भी उनको हिंट हो गया था कि शायद मेरा मिहिर के साथ कुछ है. तो अब आज उनको यू नो कन्फर्म हो गई ये चीज़ की आई लव मिहिर. So what do you feel on this story? Leave your comments below. And for more television updates, subscribe our channel TV Prime Time.